यूपी के जालौन में वृद्ध को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला जालौन के डकोर थाना क्षेत्र के एरी गांव का है, जहां मामूली सी बात को लेकर गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि घटना खेत में पानी लगाने को लेकर गांव के ही पप्पू और 60 वर्षीय घनाराम दोनों में कुछ बात को लेकर दोनों में कहासुनी होने लगी। बात इतनी बड़ी कि पप्पू ने उसको गोली मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। मामले में पुलिस अग्रिम कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हमारे पिताजी थे घनाराम। बजे सर कुछ नहीं थी, सुबह हम काम से निकले, काम पे मजदूर आदमी सर, हम जाते काम करने के लिए, पिताजी के इनने फोन लगाया, कान लगे नन्ना के पहुंचा दे, आज ऑपरेटर आ रहा और पानी लगा ले। मैंने कि नहीं लगाने, आज हमने मना कर दिया साहब, हमने कि जाना, पहले एक दिन और विवाद हो गई थी थोड़ी सी, लेकिन हमने कहा नहीं सर नहीं जाने, बस बोले कान लगे। मैंने कि नन्ना तुम खाना ना खा लो, पिताजी के नन्ना खाते, बस इतने में खाना ना खा के हम सर काम पे निकल गए। और पता नहीं इनसे हमारी केवल गोपी से विवाद है, और इससे तो सर हमारी को विवाद ही नहीं पप्पू से, मार्डर उसका नाम पप्पू, हाँ कोई विवाद नहीं था इससे। ये घटना करीब लगभग 10:30 बजे की घटना है सर। तो ये जो गोली जिसने मारी है, क्या नाम है उसका? नाम पप्पू, रहने वाला कहाँ है? एरी का है सर। ये सूचना मिली कि घनाराम एरी गांव का रहने वाला है, जिसका यहाँ सामने खेत है, ट्यूबवेल से पानी लगाने के लिए आज आया था, और इसका कोई जानकारी की जा रही है, पूर्ण विवाद है कोई पूर्व का। और जो गांव से जानकारी मिली है, इसमें गांव का ही व्यक्ति है जिसने किसी विवाद पर इसे गोली मार दी है, जबकि गोली ऐसी नहीं थी जिससे मृत्यु हो जाए, जांघ पर गोली लगी हुई है और कलाई पर लगी है, लेकिन ऐसा लगता है कि शॉक से सदमा लगने से देहांत हो गया है, क्योंकि मृतक की उम्र लगभग 80 वर्ष है। जल्दी इसमें जो हत्यारा है पकड़ा जाएगा।